और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। चीन की नाराजगी की वजह से पिछले कुछ दिनों से ताइवान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। चीन जैसे ताकतवर देश की नाराजगी को देखते हुए ताइवान लगातार अपनी सैन्य स्थिति सुधारने में जुट गया है। पिछले दिनों ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि 17 चीनी विमानों ने ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा को पार किया, जो आमतौर पर दोनों पक्षों के बीच एक इनफॉर्मल रुकावट के रूप में काम करता है। यही नहीं, बीजिंग द्वीप के पास अपनी सैन्य एक्टिविटीज जारी रखते हुए ताइवान तैयारी के साथ साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा में भी जुट गया है। उत्तरी ताइवान में बना ये देश का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं ताकि किसी भी संभावित हमले से बचा जा सके। जबकि एक तरफ ताइवान स्ट्रेट है, जो 130 किलोमीटर तक चीन की मुख्य भूमि तक की सुरक्षा देता है। इस पावर प्लांट को किसी भी अनहोनी की स्थिति में बचने के लिए ताइवान की राजधानी ताइपे से करीब 70 किलोमीटर दूर बनाया गया है। यहां से हाई टेंशन वायर के जरिए बिजली पहुंचाई जाती है। गौरतलब यह है कि ताइवान अपनी एनर्जी जरूरतों पर 10% न्यूक्लियर प्लांट पर निर्भर है, जबकि राजधानी की कुल बिजली का 25% यहीं से प्रोडक्शन होता है। किसी भी हमले की स्थिति में अगर ये पावर प्लांट बंद हो जाता है तो लगभग 1/4 राजधानी अंधेरे में डूब जाएगी। इसके साथ ही न्यूक्लियर रेडिएशन चंद मिनटों के अंदर 150 किलोमीटर के दायरे में फैल चुका होगा, जिससे पहले कुछ घंटों में ही ताइवान की राजधानी ताइपे में भारी तबाही मस्ती हुई नजर आएगी। अब देखने वाली बात ही होगी कि आखिर ये ताइवान और चीन की ये जंग आखिर किस मोड़ पर जाके रुकती है। लेकिन फिलहाल की इस खबर पर इतना ही। इस खबर पर आगे कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।